इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, हुजूर के इस फैज का, नेमत का फैज उम्मत में हर दौर में किसी किसी को मिलता है, हर दौर में हुजूर के इस फैज का कोई कासिम होता है, इस फैज मुस्तफा का कोई कासिम होता है और वो बमरतबा वसीला होता है। अब उसका एरिया कितना है, रकबा कितना है, जमाना कितना है, दायरा क्या है, किस मैदान में फैज तकसीम होगा, आप समझ गए ना। ये शोबे अलग अलग कमो बेश होते हैं मगर अल्लाह ताला अपनी उन नेमतों की तकसीम के लिए इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती के तहत उम्मत में हर दौर में हुजूर की कासिमियत के नुमाइंदे मुकर्रर करता है और वो फिर उनके वसीले से तकसीम होते हैं मदारिज, रुश्द, हिदायत, नेमत, करामत, विलायत, दरजात, उनके जरिए वसीले से तकसीम होते हैं। तो फिर जो उस वसीले का, जिसका उनको वसीला बनाया गया है, जिसका उन सब के लिए, जब उसका इनकार करता है तो फिर नेमत कट जाती है। जो वसीले का इनकार करता है जिस जरिए से मिल रहा है तो नेमत कट जाती है। इसी तरह के कोई किसी सीढ़ी पर चढ़कर छत पे जा रहा हो और सीढ़ी का इनकार कर दे तो सीढ़ी खींच ले तो बेशक 11 सीढ़ियां ऊपर जा चुका हो तो वहीं से धड़ाम गिर जाता है। सीढ़ी की हाजत तब खत्म होती है जब छत पर चढ़ जाता है। सीढ़ी की हाजत तब खत्म होती है जब छत पर चढ़ जाता है और जब छत पर चढ़ जाए तो वो साहिब मुकाम मुतमक्किन है, वो साहिब मुकाम मुतमक्किन है, फिर उसे औरों का वसीला बना दिया जाता है। जब तक खुद वो उस मुकाम पर नहीं पहुंचता तो वो किसी की सीढ़ी पे चढ़ता है। तो जो उसने सीढ़ी का इनकार किया, सीढ़ी निकल गई, जहां पहुंचा था धड़ाम गिर गया। कभी फिर धड़ाम गिरने का शऊर और होश उसे होता है और कभी वह अंतुम ला तशऊरून, और अल्लाह वालों के यहां तरीका यह है कि अल्लाह उसको शऊर भी नहीं होने देता कि मैं धड़ाम गिर गया हूं, ताकि बदबख्त जाए जहन्नम में और गुमराह हो जाए। ये सारा आका अलैहि सलाम ही का फैज होता है, आका अलैहि सलाम ही की नेमत होती है, आका अलैहि सलाम ही की रहमत होती है, आका अलैहि सलाम ही के इनामात होते हैं। वो तो डीपू हैं तकसीम करने वाले, राशन एक जगह से आता है, बटता इलाकों में मुख्तलिफ डीपुओं के जरिए। डीपुओं का अपना राशन नहीं होता। ये डीपू बेचारे क्या है, ऐसे बांटने वाले होते हैं, इसलिए डीपू कहते हैं कि हम कुछ नहीं है, हम क्योंकि उनके पास तो राशन ही नहीं है, अगर पिछले न भेजें तो डीपू क्या करेगा, कतार लगी रह जाएगी और डीपू वाला कहेगा राशन कोई नहीं खत्म हो गया। तो डीपू तो खुद मोहताज हैं, डीपू तकसीम कुनिंदा है, राशन किसी और का है। हाय हाय, राशन किसी और का है, डीपू तकसीम कुनिंदा है, इसलिए कतार में लगने वालों को उस राशन जहां से चलता है वहां नहीं भेजा जाता, भेजा डीपू पर जाता, गिरेगा डीपू से, राशन हमारा होगा, मिलेगा डीपू से। प्रोडक्ट सामान फैक्ट्री का होगा, मिलेगा दुकान से। ये सारा जान सारा माल फैक्ट्रियों में कोई नहीं खरीदने जाता क्योंकि इंडिविजुअल्स को फैक्ट्री माल बेचती ही नहीं है, वो कहती हम तो थोक फरोशों को देते हैं, हम देते हैं थोक फरोशों को, होल सेलर्स को देते हैं, क्या होल सेलर्स को देते हैं, फैक्ट्री होल सेलर को देती है। होल सेलर बड़े बड़े बगदाद और अजमेर में होते हैं और डाटा गंगबख्श होता है। फैक्ट्री प्रोडक्शन मदीने की फैक्ट्री अपने होल सेलर्स को देती है और होल सेलर बोर्ड लगाता है कि यहां परचून नहीं बेचा जाता। हर बंदा अकेला अकेला अपने घर के लिए सौदा खरीदने आए तो होल सेलर नहीं बेचते, जो होल सेलर होते हैं वेयर हाउस वाले वो नहीं बेचते, वो लेते हैं कि हम आगे परचून फरोशों को रिटेलर्स को बेचते हैं। आम लोगों को माल रिटेलर से मिलता है, रिटेलर को होलसेलर से मिलता है, होलसेलर को फैक्ट्री से आता है। तो कई रिटेलर होते हैं बेचारे, बस ऐसे रिटेलर होते हैं। दुकानदार होते हैं, दुकानदार उन्होंने देख उनको पीछे से आता है बेचते हैं और उनका तो अपना भी कुछ नहीं होता, उनका तो वो भी सारा क्रेडिट पे मिलता है, तो सारा दे देते हैं, इतना कहते हैं कि तुम पर हमारा एतमाद रहे, रहो काबिल एतमाद,
सारा उठा लो, बेच कर अगले महीने दे देना, फिर और ले लेना। उनका भी क्रेडिट पे माल होता है, और क्रेडिट पे उसी को मिलता है जो क्रेडिबिलिटी बना ले, जो क्रेडिबिलिटी, जो रिकॉर्ड अच्छा बना ले, उसको क्रेडिट पे मिलता है। लोगों रिकॉर्ड अच्छा बनाओ, रिकॉर्ड इस्तेकामत से बनेगा, वफादारी से बनेगा। वफादारी बशर्ते उस्तुवारी असल ईमान है।